पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस धोखाधड़ी के खिलाफ हूँ मैं, इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं होंगी। हम सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह या उनको क्षेत्रों में रगड़ने के लिए और लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर पार्टी के ही लोग उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, यहाँ तक कि उनको विक्षिप्त तक अगर बोल दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका, आहत होना उनका स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है। कोई पिछड़ी महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई दलित महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई अल्पसंख्यक का मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती। अगर आज आप देखें तो मुसलमान समाज से ज़्यादा कौन है जो 100% प्रतिबद्धता के साथ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बना हुआ है और बीजेपी के खिलाफ उनका लगातार साथ दे रहा है, तो क्या जब मौका है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसमें इलेक्शन जो अभी उनके जो एमएलएस की जो गिनती है उसमें आपका भी एक, आप भी शामिल हैं उसमें, तो क्या आपसे राय मशवरा नहीं किया गया या इस बारे में? देखिए, हमने प्रयास किया था, लेकिन ये बात भी सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो इस दौरान बहुत क्लियर कट बात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये नाम सामने आए तो मेरा ये मानना है कि ये पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। माना यह जाए कि अब जो गिनती समाजवादी पार्टी की पहले 110 विधायक थी, उसके बाद उसमें जो हुआ फिर कुछ सदस्यता भी गई, तो एक की डेथ भी हुई, तो उसके बाद जो आपका भी एक वोट था, क्या वो भी कम हो जाएगा इस इलेक्शन में? देखिए, मैं पीडीए में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है उसको प्रतिनिधित्व न दिए जाने के खिलाफ और इस धोखाधड़ी के खिलाफ हूँ। मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं होंगी। अगर आप वोट नहीं देती हैं तो जो 3 उम्मीदवार हैं उसमें से शायद 2 ही फिर राज्यसभा पहुँच पाएंगे, ये नहीं लगता है कि मतलब पार्टी को या अलायंस को बचाने के लिए कि जो कैंडिडेट जा रहे हैं उसमें से एक कैंडिडेट पे शायद आपके वोट ना देने के, जैसे क्योंकि आरएलडी जैसे पहले अलग हुई थी, अगर जो पार्टी का कहना है कि आरएलडी के कुछ विधायक उनके संपर्क में, अगर वो भी वोटिंग में हिस्सा नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी तो 3 राज्यसभा सांसद नहीं भेज पाएगी। देखिए, मिशन बहुत बड़ा है। मिशन अगर पीडीए है तो उसको आगे लाने के लिए हमें दिखाना होगा ज़मीनी तौर पर। हम सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह या उनको क्षेत्रों में रगड़ने के लिए और लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। जब मौका है कि आप इन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सिर्फ बात इतनी सी है। मैं ये आह्वान ज़रूर करूँगी कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इन सभी संगठनों में जो भी गैरतमंद लोग हैं और जो इस विचारधारा में पीडीए में विश्वास रखते हैं, उनको इस धोखे के खिलाफ आकर के प्रतिकार करना चाहिए। तो आपका जो मतभेद है ये सिर्फ इस पीडीए का जो राज्यसभा वाला मामला है इसी तक रहेगा, क्योंकि अभी 2024 का चुनाव भी आने वाला है, कहीं उसमें तो गठबंधन में जो आप भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, कहीं उसमें तो फूट नहीं पड़ेगी? देखिए, अभी वर्तमान जो बात हम कर रहे हैं वो नैतिकता और ईमानदारी की बात है, और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन का नेतृत्व और जो निर्णय होगा वो राजमाता कृष्णा पटेल जी ही करेंगी। तो मतलब माना जाए कि अगर आगे चल के बातें सही नहीं हुई तो क्या समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी अलग भी हो सकती है 2024 के चुनाव से पहले? देखिए, हम विपक्ष में थे, हैं और रहेंगे। हमारी लड़ाई मुद्दों पर है और बहुत ही क्लियर कट है विचारधारा की। हम लगातार लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लगातार मेरा संपर्क बना हुआ है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं वो, और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव पद पर होते हुए भी, पार्टी के लिए काम करते हुए भी, अगर पार्टी के ही लोग उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, यहाँ तक कि उनको विक्षिप्त तक अगर बोल दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका, आहत होना उनका स्वाभाविक है। और हमें इस बात पर जो है लगाम लगानी होगी, स्टॉप लगाना होगा कि अगर हमारे पार्टी का कोई ऑफिस बेयरर है, पद पे है और उसका एक बहुत बड़ा कद है और समाज में एक प्रतिष्ठा है, तो उनके खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी है उस पर स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है? कौन करवा रहा है इसको? तो हमें क्या सिर्फ सवर्णों का ही वोट चाहिए? हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और पिछड़े दलित हमारे मुसलमान समाज के जो नेता हैं उन पर तीखी टिप्पणी हो रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है? ये होना चाहिए पार्टी में। लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है वो समाजवादी पार्टी को हमेशा से वोट करता आया, यही वजह थी कि उनकी सरकार भी रही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं उससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, धार्मिक टिप्पणियों की कोई जगह नहीं है, वो जो किया है उसका उन लोगों ने विरोध किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है, और उनको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमको वोट देता आया है,
आपको वोट देता आया है, इसीलिए आप उनकी भागीदारी को किनारे करके उनको लूटने का काम कर रहे हैं। आप भागीदारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि आप उनका वोट क्लेम कर रहे हैं। भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो आगे और बड़े बड़े मंजर आएंगे, हम लोग देखेंगे। वोट क्लेम करने की बात से ही आपने अपने वोट को पीछे रखने की बात कर दी है राज्यसभा चुनाव में। अगर समाजवादी पार्टी इस बात से नहीं खुश हुई और आपके ऊपर अगर कोई एक्शन लिया गया, स्वतंत्र है वो एक्शन लेने के लिए। मैं एक्शन से नहीं डरती, ईमान की राजनीति करती हूँ, जो सही है वो कहूंगी। कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा था उस पर समाजवादी पार्टी नहीं चल रही, आपका कहना है, जिसकी वजह से आप में और अब समाजवादी पार्टी में मतभेद नजर आ रहे हैं। पीडीए हमारा नारा है और आपके पास 3 राज्यसभा सीटें हैं, तो कहाँ है पिछड़ा, कहाँ है मुसलमान? ये होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है वो सड़कों पे मरे, वहां घिट्टे आपका झंडा और बैनर उठाए, और जब आगे जाने की बात आए तो प्रतिनिधित्व कोई और लेके चला जाए और हम बाध्य हों कि हम उनको वोट करें।